हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और आज का हमारा टॉपिक है स्पार्क वर्सेस मैप रिड्यूस। तो आज हम लोग स्पार्क और मैप रिड्यूस के कंपैरिजन को समझेंगे। इससे पहले आप स्पार्क और मैप रिड्यूस के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देख ले ताकि कंपैरिजन समझने में आपको आसानी हो। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पार्क और मैप रिड्यूस के कंपैरिजन का ये ब्रीफ डायग्राम हमने स्पार्क इंट्रोडक्शन के सेशन में इन शॉर्ट डिस्कस किया था। तो आज हम लोग इस डायग्राम को डिटेल में समझेंगे एक एग्जांपल के जरिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल में मान लेते हैं हमारे पास दो टेबल है, टेबल वन और टेबल टू। टेबल वन में एम्प्लॉय का नाम और ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स है, जबकि टेबल टू में एम्प्लॉय का सैलरी और डिपार्टमेंट डिटेल्स दिया हुआ है। तो अगर मान लो मुझे किसी एम्प्लॉय का सैलरी निकालना है तो मुझे इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी मैं उस एम्प्लॉय का सैलरी जान पाऊंगी। तो इसीलिए ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए इन दोनों टेबल का कॉमन कॉलम है आईडी, जिसके बेसिस पर ज्वाइन परफॉर्म होगा। तो इन दोनों टेबल के ज्वाइन के एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझेंगे कि ये एग्जाम्पल स्पार्क और मैप रिड्यूस में कैसे काम करता है या कैसे परफॉर्म करता है। दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए कॉमन कॉलम वैल्यू को देखा जाता है। तो आईडी में दोनों टेबल्स में कॉमन वैल्यूज है एक, आईडी एक, आईडी तीन, आईडी चार और आईडी पांच। सो इन चारों वैल्यू के आधार पर इन दोनों टेबल का इनर ज्वाइन परफॉर्म होगा। सो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये हमारा टेबल वन है, ये टेबल टू है और हमने देखा कि इन दोनों टेबल में कॉमन कॉलम्स है एक, तीन, चार और पाँच, और ये चारों वैल्यू एक इंटरमीडिएट रिजल्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि सबसे पहले ये चारों कॉमन वैल्यू को निकाल कर कहीं स्टोर किया जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो जब भी कुछ डेटा को प्रोसेस करना होता है तो इंटरमीडिएट रिजल्ट निकलता है, जिसे स्टोर किया जाता है आगे प्रोसेसिंग के लिए। तो मैप रिड्यूस में इस इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर किया जाता है डिस्क में, जबकि स्पार्क में इस इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर किया जाता है मेमोरी में। और हमें पता है कि मेमोरी में स्टोर किया हुआ वैल्यू जल्दी एक्सेस होता है, इसीलिए स्पार्क में जो इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर होगा वो मैप रिड्यूस के कंपेरिजन में जल्दी एक्सेस किया जा सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं स्पार्क में प्रोसेसिंग स्पीड फास्टर होगा मैप रिड्यूस के कंपैरिजन में। सो ये हमारा दो कंपैरिजन निकला। पहला हुआ इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो कि हमें बताता है कि मैप रिड्यूस में इंटरमीडिएट रिजल्ट डिस्क पर स्टोर हो रहा है, जबकि स्पार्क में इंटरमीडिएट रिजल्ट मेमोरी में स्टोर हो रहा है। और दूसरा कंपैरिजन हमारा हुआ स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड स्पार्क में मैप रिड्यूस के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट है, और ऐसा माना जाता है कि स्पार्क का प्रोसेसिंग स्पीड मैप रिड्यूस के तुलना में 100 गुना फास्टर है। मैप रिड्यूस में प्रोसेसिंग के दौरान जब दोनों टेबल को रीड किया जाएगा, मतलब जब पहला टेबल से डेटा को रीड किया जाएगा, तो उसे मैप रिड्यूस डिस्क में स्टोर करता है। सिमिलरली दूसरे टेबल को भी रीड करके मैप रिड्यूस उसे डिस्क पर स्टोर करेगा, जबकि स्पार्क के केस में स्पार्क ने पहला टेबल डिस्क में स्टोर किया है और दूसरा टेबल कैश मेमोरी में स्टोर किया है। तो यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है कि कैश मेमोरी हमारा तीसरा कंपैरिजन फैक्टर है, जो ये बताता है कि स्पार्क के पास ये फैसिलिटी है कि ये किसी डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर रख सकता है, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान उस कैश मेमोरी में स्टोर किए हुए डेटा को स्पार्क फेच कर सके और प्रोसेसिंग आसानी से कर सके। तो ये फैसिलिटी स्पार्क के पास है पर मैप रिड्यूस के पास नहीं है। तीसरा कंपैरिजन फैक्टर है प्रोसेसिंग टाइप। सो प्रोसेसिंग टाइप इन जनरल दो तरह के होते हैं, एक बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग वो होता है जो हिस्टोरिकल डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हिस्टोरिकल डेटा मतलब ओल्ड डेटा या पुराना डेटा। ये डेटा लोडिंग एक दिन पहले भी हो सकता है, दो दिन पहले हो सकता है, एक महीने पहले, एक साल पहले, या फिर बहुत पहले का डेटा जो कि ऑलरेडी टेबल में लोड हो चुका है, मतलब हिस्टोरिकल डेटा। सो बैच प्रोसेसिंग में हिस्टोरिकल डेटा पर प्रोसेसिंग किया जाता है, और रियल टाइम प्रोसेसिंग वो होता है जो कि करेंट डेटा पर प्रोसेसिंग करता है। करेंट डेटा मतलब मान लो अभी तुरंत एक सेकंड पहले या फिर तुरंत में कुछ डेटा का चेंजेस हुआ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो कि हितेश नाम का एम्प्लॉय है, उसने ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया। पहले हितेश का ऑर्गेनाइजेशन वन था, बट रितेश ने रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन 3 ज्वाइन किया। तो हो सकता है उसने आज ही ज्वाइन किया है, तो इसकी वजह से जो करेंट टाइम डेटा होगा वो हमेशा अपडेटेड वैल्यू दिखाएगा। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन चेंज के साथ हितेश का सैलरी भी चेंज हुआ है। तो इसीलिए रियल टाइम प्रोसेसिंग में करेंट डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, यानी जो अपडेटेड डेटा होता है। तो मैप रिड्यूस बैच प्रोसेसिंग कर सकता है पर रियल टाइम डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता है। पर स्पार्क हिस्टोरिकल डेटा और रियल टाइम डेटा दोनों तरह के डेटा को
प्रोसेस कर सकता है। इसीलिए स्पार्क बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग दोनों तरह के प्रोसेसिंग कर सकता है। जैसा कि इस एग्जांपल में हम एक ज्वाइन के एग्जांपल को देख रहे हैं कि हमें दो टेबल को ज्वाइन करना है, तो जनरली आप ज्वाइन कैसे परफॉर्म करते हो, इसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जैसा कि नॉर्मली पहले आपको सोर्स टेबल को रीड करना होगा, उसके बाद आपको ज्वाइन क्वेरी एग्जीक्यूट करना होगा, और उसके बाद आप आउटपुट को किसी डिस्क में या फिर किसी स्टोरेज में स्टोर करोगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे इन दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए। तो ये आप कैसे करोगे, सो प्रोग्राम लिखने के लिए आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सपोर्ट चाहिए। तो लैंग्वेज सपोर्ट में मैप रिड्यूस के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है जावा। यानी आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप मैप रिड्यूस पर लैंग्वेज पर प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जबकि स्पार्क के पास जावा के साथ साथ स्काला, पाइथन और आर और भी तीन लैंग्वेज का सपोर्ट है। मतलब स्पार्क में आपके पास चार लैंग्वेज का ऑप्शन है, इसमें से किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग करके स्पार्क का प्रोग्राम लिख सकते हो। अब तक हमने जाना कि दो टेबल को ज्वाइन करते वक्त हमें किसी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमने कुछ देर पहले जाना कि सोर्स टेबल को स्टोर करने के लिए किसी डिस्क का जरूरत पड़ सकता है, या फिर जब हमारा आउटपुट जनरेट होता है तो उसे हमें किसी डिस्क पर या स्टोरेज पर स्टोर करना होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि स्टोरेज में मैप रिड्यूस और स्पार्क के पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो मैप रिड्यूस का जो डिफॉल्ट स्टोरेज है वो है HDFS, क्योंकि हमें पता है कि मैप रिड्यूस हडूप का डिफॉल्ट प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसीलिए मैप रिड्यूस हडूप के डिफॉल्ट स्टोरेज यानी HDFS को प्रीफर करता है। जबकि स्पार्क एक इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसका अपना कोई स्टोरेज नहीं है, तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग स्टोरेज का ऑप्शंस है, इसीलिए स्पार्क दूसरों के स्टोरेज को यूज कर सकता है। तो कुछ ऑप्शंस है HDFS, Amazon S3, Amazon Redshift, Cassandra, etc. So, ये MapReduce और Spark के comparison का last comparison factor है, जिसे हमने अभी समझा। I hope आपको सारे comparison factor example के जरिए easily समझ में आ गए होंगे। अगर कोई doubt हो तो आप comment section में बता सकते हो। आज के session में हमने समझा Spark और MapReduce के बीच comparisons को एक example के जरिए, जिसमें से जो comparison factor है वो है intermediate result, स्पीड यानी प्रोसेसिंग स्पीड, कैश मेमोरी, प्रोसेसिंग टाइप, लैंग्वेज सपोर्ट और स्टोरेज ऑप्शंस। सो ये कुछ कंपैरिजन फैक्टर है जिसके बेसिस पर हमने इन दोनों के कंपैरिजन को समझा। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।